हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। तो आज फिर एक नया दिन और एक नई सुबह और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है कुंड जटी गांव। तो देख रहे हो यहां पर आगे पे ही मेरे गांव का बोर्ड लगा हुआ है और रोड से ही गांव की शुरुआत हो जाती है गांव वालों की पार्किंग के। रोड के ठीक बगल पे ही पार्किंग है गाँव वालों की। तो देख रहे हो गाँव की शुरुआत रोड से हो जाती है। ये गाँव का रास्ता है भाई। चलो फिर आज एक नए गाँव को एक्सप्लोर करते हैं कि ये गाँव कैसा है। और सुबह के मौसम की बात करूँ तो मैं काफ़ी सुबह आ गया हूँ और इस साइड तो अभी धूप पड़ी है नहीं। उस वाले पहाड़ पे आपको धूप दिख रही होगी, ठीक है ना, मगर इस साइड अभी धूप आई नहीं है। ये गांव का रास्ता है और तो देख रहे हो आप ऐसा कुछ गांव है ये लगभग है। यहाँ पर मेरे को शुरुआत में खेत खूत या सब चीज़ दिखे हैं, शुरुआत में ही घर भी दिखे हैं, मगर यहाँ पर जो मतलब जो गांव है आज ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते नहीं मेरे हिसाब से शायद से इस जगह पे। और सबसे ज़्यादा इस जगह पे अभी फ़िलहाल तो मुझे हर जगह पे जो खेती दिख रही है वो बंजर दिख रही है इस जगह पे। हैं घर कोई नहीं है। अच्छा अंकल जी आप देखिए ना ये गाँव में ये गाँव का निवासी कथा पर हो गाँव में यखे यो मैं 7-8 परिवार यो छन और 24-10-15 परिवार पर वाला अजयपुर गांव। अच्छा अजयपुर गांव। अच्छा अजयपुर के साइड की ज्वाइंट करता है गांव। हां अच्छा 7-8 परिवार। तो यो मतलब यहां लगा कि यो क्वीन डनु क्या। ना ना यो पलते थे ना भी मोर पलते थे। अच्छा सिर्फ दो ही इस गांव में सिर्फ दो ही हैं, दो ही परिवार रहते हैं ना। एक यहां पर तीन परिवार रहते हैं तीन और सब कोई नहीं और कोई नहीं है घर। तो ये बोल रहा हूं हर जगह बंजर क्यों दिख रहा है मेरे को। ये सब बंजर है ये नहीं का है। अच्छा ये पूरी खेती बंजर है इस साइड में करते नहीं है बंजर ही। अच्छा आप लोग यहीं रहते हो कि आप भी नीचे रहते हो। ना ना मैं यहीं मेरा मकान है नीचे पे। अच्छा मतलब गांव में ही रहते हो आप। खेती होती है आप होती है आपकी। हाँ ठीक ठीक। ये देख रहे हो भाई यहाँ पर जितने भी घर हैं ये सब सब नीचे वाले सब नीचे वाले है ना। सब ने गांव छोड़ दिया मतलब मैंने पहले है क्या सर। सब कभी कभी आते हैं घर साल भर 6 महीने में साल महीने 6 महीने में आते हैं। उनकी कोई जमीन कोई किसी के पास देने देखी है खुद कोई करता भी कोई ना ना किसी के पास दे भी है तालाब वाले खेत करते हैं। हाँ ये इसको कौन करेगा कोई नहीं करेगा सही बात है। तो देख रहे हो भाई गाँव की स्थिति कुछ ऐसी है। घर पे देख रहे हो हर जगह ताला लगा हुआ है। इस जगह देख रहे हो कहीं नहीं है भाई सब जगह बंद है सब जगह। देखो भाई ठीक है। ये देखो भाई जितने भी मकान दिखेंगे आपको सब पे ताला लगा हुआ है और यहाँ की जो खेती है वो सब बंजर है साइड भाई। नमस्कार दादाजी ठीक ठाक। बंडी सुनो ना बंडी है? बंडी सुनो बंडी ठंडा पानी ना अजू नहीं था ठाक ठंडू। अच्छा अजू नहीं ठंडू ठीक ठीक ठीक। दुआ दुआ इस गांव में देख रहे हो आपको हर जगह मतलब ताले ताले दिखेंगे यहाँ पर। तो ये लगा लो कि ये जो गांव है इस गांव का नाम क्या है। ये कुंजटी है। कुंजटी है ये गांव और ये करता है अजयपुर अजयपुर के साथ ज्वाइंट करता है। मतलब ये दोनों गांव अगल बगल ही हैं। अजयपुर मैं काफ़ी पहले दिखा चुका हूँ आपको। और जो इस गांव में जो जितने मतलब परिवार रहते हैं लगभग 7-8 परिवार रहते हैं इस गाँव में। यहाँ 7-8 है ना। तो 7-8 परिवार रहते हैं यहाँ पर कि ज्यादा रहते हैं उससे ज्यादा क्या है यही तो है। अच्छा 7-8 परिवार रहते हैं मतलब जो छोड़ के भी चले गए उनको जोड़ के कितने हैं। उनके जोड़ के माने ये कि 10-12 परिवार है। अच्छा 10-12 परिवार है ठीक है ना। और अभी जो हाल ही में इस गांव में लगभग 2 परिवार या 3 परिवार रहते हैं इस गांव में। 3 परिवार और सब चले गए यहाँ से ना इस गांव में। तो पूरा गांव मतलब खंडर तो नहीं कह सकता पूरे गांव को क्योंकि गांव तो काफ़ी सेफ है काफ़ी अच्छा है लोगों के मकाने भी अच्छी है। मगर आप यहां पर गांव में जो भी हैं सब जगह आपको ताला दिखेंगे और यहां पर जितने भी खेत हैं वो सब बंजर पड़ चुके हैं क्योंकि जिनके खेत हैं उन्हें किसी के पास दिए भी नहीं है और खुद करे भी नहीं है तो बंजर ही पड़ेंगे वो खाद के है ना। और अंकल जी यहाँ खेती खुती होती क्या मतलब बढ़िया सबसे ज़्यादा होता है। बढ़िया होती है
फसल गेहूँ भी बढ़िया होते हैं और सटी भी बढ़िया होते हैं। और यहाँ फल फूल क्या होते हैं? यहाँ पर फल फूल ये है कि आम भी सही होते हैं, माल्टा होते हैं, नारियाँ होती है और आलू होते हैं, सब चीज़ अच्छा होता है, लेकिन बंद रहे हैं बहुत ज़्यादा। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि मैं काफ़ी गांव में घूम चुका हूँ ना, तो मैंने काफ़ी जगह देखे हैं लोग अपने मतलब बोलते हैं कि गांव को छोड़ के जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रही। रोड आ गई है, घर के अगल बगल रोड है। ये ना पहले रोड नहीं थी। अच्छा पहले रोड नहीं थी। रोड नहीं थी, रोड तो अभी आई है एक दो साल बाद। अच्छा दो साल बाद आ रही है, ये दो साल पहले रोड आ गई। अच्छा अच्छा ठीक ठीक। फिर जो पहले वालों ने बनाया मकान मकान नीचे बनाया, तो अब आ रहे हैं वो घर देखभाल के लिए आवाज। ठीक ठीक ठीक। ये सब नौकरी वाले ना। तो यहाँ पर लगभग अभी दो साल ही हुए ना। हाँ, इस रोड को जो बने हुए हैं, ये रोड जो बनी हुई नहीं। हाँ। इसको लगभग दो साल हुए हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, ये पहले प्लान कर चुके थे, मतलब इस गांव को पहले ही छोड़ के चले गए थे। रोड तो बहुत बाद में आया यहाँ से, तो इसमें लोगों की गलती नहीं है? ना लोगों की गलती नहीं। इसमें जो है कि लेने की समस्या थी ना यहाँ पर, मनी सामान लेने की बहुत दिक्कत थी। अब यहाँ से चंद्रपुरी कोई सामान लाएगी तो चंद्रपुरी से आना पड़ता था सामान। ये ठंडी जगह है नहीं, तो यहाँ माल्टे भी लगे होंगे ना इस जगह पर। आपको ठंडी जगह में जहाँ जहाँ ठंडा पड़ता है, तो उस जगह पे आपको माल्टे जरूर दिखेंगे इस जगह पे। हाँ। युद्ध माल्टे बांधा नहीं खाना होता ना? ना खाने के लिए नहीं, पर कोई घरे में रहो ना। ठीक ठीक है। तो गांव का लास्ट छोड़ है। हाँ। यहाँ से जो लग जाती है गाँव वालों की खेती लग जाती है। ठीक है, तो मैं खेती भी दिखाऊंगा आपको। नींबू देख रहे हो आप? नींबू तो बहुत बड़े साथ में अंकल जी मेरे को थोड़ा गांव के बारे में बता रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगा कि चलो मुझे कोई व्यक्ति मिला जो गांव के बारे में मुझे अच्छी तरह बता पाए, क्योंकि खास करके जितने भी गांव में जाता हूँ तो काफ़ी कम लोग मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग खेती में जाए रहते हैं, तो इसलिए घर पर कोई दिखता नहीं। अच्छा ये खेती है इस साइड? तो अंकल जी कह रहे हैं कि ये जितनी भी खेती है सब, मतलब पूरे गांव वालों की खेती है, ये सब बंजर पड़ी हुई है ना, सब जितनी भी तो है। लैची बहुत बढ़िया होती है। अच्छा। हाँ। क्या होती है यहाँ पर सबसे ज़्यादा? लैची। हाँ। तो आप लोग नहीं करते यहाँ, मतलब यहाँ खेतों को? सही है ना, कि कितना करें एक आदमी, कितना खेती करें। सही बात है। अब जैसा मेरा है तो मेरे माने कम से कम 50 कंडे का मेरा है अपना। हाँ। तो मैं अपना देखूं कि यहाँ भी देखूं। सही बात। नहीं हो पा, एक इंसान कितना करेगा? नहीं होता, नहीं होता। मेरे भी ऐसे जो दो तुम बहुत भी कर रखे हैं खेती के, 25-30 कंडे का दूसरा भी कर रखा है। तो यहाँ मतलब आपने कभी किसी चीज़ को नोटिस नहीं किया, जैसे कि मतलब आप गाँव में रहते हो, ठीक है, ये जंगल वाला एरिया देख रहे हो, अभी पूरा देख रहे हो जंगल वाला एरिया, तो कभी यहाँ पर ऐसा लगता है कि सुअर या शेर ज्यादा भटकते इस जगह पे? हाँ। दिन दोपहर के टाइम पे आते, क्योंकि क्या होता है कि जान इंसान कम होते हैं ना। हाँ। वहाँ जानवर ज्यादा आते हैं, आते हैं उस जगह पे। तो मेरा यही कहना है, आप जैसे कि यहाँ पर आप ये यहाँ पर 10-15 परिवार रहते हैं इस गाँव में। हाँ। इस गाँव में 10-15 परिवार के बाद भी सभी लोग चले गए, प्लान करके छोड़ के चले गए गाँव, और 2-3 परिवार रहते हैं इस जगह पे। 2-3 परिवार में कितने व्यक्ति होंगे? यह है कि दो अब जैसे मैंने मेरे घर में है, तो मैं 2 आदमी हैं घर। अच्छा, 2 आदमी घर में आप? 2 आदमी। और यहाँ पर कितने हैं? यहाँ भी लगा तो 4 आदमी है आप। मतलब 4-6 आदमी है पूरे गांव में? 6 आदमी। ये बहुत बड़ी बात है कि गांव में आज की डेट में सिर्फ 6 आदमी बच रहे हैं। हाँ। ये बहुत बड़ी बात होगी ना आज डेट में। और अब क्या बोलने से, तो कभी लगता ना यहाँ पर क्या सुअर ज़्यादा होते हैं? सुअर बहुत ज़्यादा आते हैं सुअर यहाँ। अब जब जैसे मैंने अब 3:30-6 बजे पर इधर घूम इधर जाने के मन ही नहीं करता, इधर इतने सुअर रहते हैं। सेठ। हाँ। तो क्या होता है कि जिस गांव में कम लोग रहते हैं ना, मतलब ये कहता है कि गांव खाली खाली सा होता है, तो वहां पर क्या होता है जंगली जानवर ज़्यादा आते हैं उस गांव के अंदर। हाँ। तो ऐसे काफ़ी गांव में होता है, ऐसा नहीं कि मैंने आपको काफ़ी बार दिखाया वीडियो में कि काफ़ी बार क्या होता है कि जो आप ये लगा लो कि ये गाँव काफ़ी बड़ा है, ठीक है, एक हिसाब से काफ़ी बड़ा गाँव है, और यहाँ पर अगर कम व्यक्ति रह रहे हैं या कम लोग रह रहे हैं, अब ये लगा लो पूरे गांव में 4 लोग हैं, ठीक है,
चार लोग हैं तो जानवर क्या, जैसे अगर गांव के लोग जाते रहेंगे नीचे साइड, वैसे वैसे कि जानवर घर के अगल बगल आते रहते हैं, गांव में आते रहते हैं, दिन दोपहर में भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। अगर गांव में काफ़ी लोग रहते हैं तो जानवर दूर दूर रहते हैं, ठीक है, अब उनको कोई डर नहीं है, उनको पता है कि यहाँ पर कोई है नहीं इस समय पर, तो आते रहते हैं घर में। तो ऐसे में क्या होता है, इंसानों को भी खतरा होता है, जो उनके जानवर हैं जिनको पाल, जो गाय या बछड़े हैं उनको भी खतरा होता है ऐसे में। जैसे गाय उठा दी यहाँ से, एक गाय उठा दी यहाँ से। अच्छा, एक गाय उठाई यहाँ से, यहीं पर से? किस टाइम पे? शाम 6 बजे। अच्छा, 6 बजे उठा दी गाय यहाँ से? 6 बजे, क्योंकि बड़ा जंगल है नहीं। हाँ, समझ गया मैं। वो सीधे इधर से आए, निकाले हुए थे बाहर, उसके बाद उन्होंने अंदर बांधना था, तो कहाँ से बांधना था, तो लेके चले गए, लेके चले गए गाय। तो मैंने कहा था ना भाई, क्या होता है कि गांव में कम व्यक्ति लोगों के ना होने से ना बहुत फ़र्क पड़ता है गांव के अंदर, और ऐसे में क्या होता है जंगली जानवर करीब आते हैं, बहुत ज़्यादा करीब आते हैं गांव के अंदर, बहुत नज़दीक आते हैं। अब खुद सोच लो कि शाम के टाइम भी गाय उठा दी गाँव से, तो काफ़ी बड़ी बात है, वो भी गाँव के बिल्कुल बीच से। चलो फिर, तो पूरा गाँव घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ दोबारा रोड की तरफ। गाँव कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर अगले दिन अगले गांव में। ओके भाई, टेक केयर। हाँ यार, ये काफ़ी खूबसूरत सा गांव है भाई, अजयपुर। क्योंकि मैं यहाँ एक बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ इस गांव को, और ये गांव ठीक जहाँ आज मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ उसके ठीक नीचे पे ये गांव है। ये दोनों गाँव मतलब कहते ना कि भाई बहन जैसे हैं, मतलब दोनों गाँव अगल बगल है, तो मतलब पूरे गाँव, इस गांव का नाम अलग है, ये अलग गांव है वैसे, मगर इनका जो रिश्ता है वो भाई बहन के जैसा है, मतलब भाई बहन या भाई भाई के जैसे बोल सकते हो।